लॉकडाउन के बीच में कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम जो मजदूर हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपको बताता है कि ये तमाम दृश्य, तमाम नज़ारा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय ग्वाले लोग खुद तमाम जो मजदूर हैं, जो आवागमन कर रहे हैं, उनको मदद करने के लिए खुद वहाँ पहुँचे और अपने हाथों से तमाम मदद देकर उनकी हौसला बढ़ाया और उन्हें उनके गंतव्य तक के लिए प्रार्थना भी की। आपको बताते हैं कि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा है, उनके सबके बीच में मजदूरों की आवाजाही को लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार इसको ध्यान दिलाने के लिए सरकार को हर तरीके से उनको किराया देने की भी मदद की थी इन सबके साथ में, लेकिन तमाम अब फिलहाल झंझावटों के बीच में, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस पर सवाल निशान उठाने लोगों ने शुरू कर दिया। फिलहाल कांग्रेस ने राजस्थान से उत्तर प्रदेश के लिए तमाम बसों में तमाम जो मजदूर थे, जो फंसे हुए थे लोग, जो मजबूर लोग थे, उन्हें पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उस पर सियासी शुरू हो गई और सबके बीच में कांग्रेस के तमाम पार्टी के नेताओं ने गुहार भी लगाना शुरू किया कि जो मजदूर हैं उन्हें जाने दिया जाए उनके घरों तक, लेकिन सबके बीच में फंसे हुए मजदूरों के गुहार लगाने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने पत्र भी लिखा सरकार को कि उनकी सरकार सुने और जो मजदूर मजबूर लोग हैं उनको उनके घर तक पहुँचने दिया जाए। फिलहाल अब सियासी दांव पेंच के बीच में तमाम मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ताओं ने झंडी दिखा के वहाँ से उनको रवाना किया, लेकिन अभी तक फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या बनी रहेगी, लेकिन इन सबके साथ में फिलहाल राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस ने भी अपना तेजी के साथ में मजदूरों को आगे बढ़ाते हुए, उनको हौसला बढ़ाते हुए, उनको घर पहुंचाने के हर संभव प्रयास में जुट गई। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने लोगों से तमाम जो किराए की अपील की थी उन्हें किराया दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में सरकार पीछे हटी और उन्होंने पहुँचाने की कोशिश करती रही, लेकिन इसके बाद अभी फिलहाल मामला उलझा हुआ नजर आता है। फिलहाल प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से अपील की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद।